ही एवरी वन, आई जगदीप राड वेलकमिंग यू टू लर्न विद जगदीप यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, हमने एक क्विक रिवीजन सीरीज़ को चालू कर रखा था पिछले वीडियोस से। आज हम उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम के लेक्चर में हम करेंगे क्लास टेंथ इंग्लिश की बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का क्विक रिवीजन। क्विकली से हम इसका रिवाइज़ करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक ये चैप्टर जो है, ये जो है एनी फ्रैंक की ऑटोबायोग्राफी है। इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी एक डायरी थी एनी फ्रैंक की, जिन्होंने इसका नाम एन फ्रैंक ने इसका नाम रखा था अपनी डायरी का किटी, जो कि इसको अपने 13th बर्थडे पर मिली थी। ठीक है, तो उस पर उसने मतलब फिर इन्होंने इस एन फ्रैंक ने डायरी लिखना स्टार्ट किया। डायरी लिखते गए और इन्होंने बाद में जब इनकी डेथ हुई उसके बाद जो है द डायरी ऑफ यंग गर्ल एक नोवेल हमारे सामने आया। तो द डायरी ऑफ यंग गर्ल पहले CBSE में लगा करता था, ठीक है। अब CBSE ने उसे रिमूव कर दिया फ्रॉम देयर सिलेबस। उससे क्वेश्चंस नहीं आते थे भले, लेकिन हाँ उस आपको पढ़ने को वो ज़रूर मिलता था, बट अब CBSE ने उसे अपने सिलेबस से रिमूव कर दिया, ठीक है। तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये जो है उस नोवेल में से एक एक्सट्रैक्ट आपके सामने पेश किया गया। पूरा नोवेल पेश नहीं किया गया, उसमें से कुछ पार्ट जो हमारे सामने 1 से 2 पेज 3 पेज का जो पार्ट है हमारे सामने रखा गया है, ठीक है। ये जो आपको एन फ्रैंक जो थी एक ज्यूइश कल्चर की लड़की थी। जब क्या हुआ, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जब हमारे पास नाज़िज़्म के लोग यानी कि जो हिटलर था उसके पास पावर आ गई थी, तो उसने ज्यूइश कल्चर के लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये जो एन फ्रैंक थी ये भी ज्यूइश कल्चर की थी, तो ये 2 साल तक तो छिपी, बाद में इसे मार दिया गया और इसकी डेथ हो गई। तो 13 to 15 years तक, 13 से 15 साल तक इसने अपनी डायरी लिखी, द डायरी ऑफ यंग गर्ल, फिर एक नोवेल है तो वो इसकी डायरी, उसमें इसकी सारी डायरी की एंट्रीज़ है, ठीक है। तो इसकी पहली डायरी मतलब इसे ये डायरी जो 13th birthday पे गिफ्ट मिली थी। तो कभी टाइम मिलेगा तो हम डायरी ऑफ यंग गर्ल नोवेल भी मैं आपको इसी चैनल पे पढ़ाऊँगा। तो अगर आप अभी 10th पास कर जाओगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर 11th में है कोई बात नहीं, हम पढ़ लेंगे उस नोवेल को। अगर आपको पढ़ना है तो मैं आपको वो नोवेल पढ़ा दूँगा, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, चलिए क्विकली से रिवाइज करते हैं। तो देखो, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ यंग ज्यूइश गर्ल हु रोट हर थॉट्स इन अ डायरी। मैंने आपको बताया कि ये जो है ऑटोबायोग्राफी है किसकी, एक ज्यूइश गर्ल की, यंग ज्यूइश गर्ल की, ज्यूइश गर्ल जिसका नाम है एन फ्रैंक, जो कि अपने थॉट्स को, जो कि अपने डेली लाइफ मतलब जो उसकी डेली लाइफ में होता था वो डायरी में मेंशन करती थी, और अपने कुछ विचार जो है अपनी डायरी में मेंशन करती थी। एट फर्स्ट शी फेल्ट इट वाज अनयूजुअल एक्सपीरियंस फॉर हर टू पेन डाउन ऑल हर थॉट इन पेन एंड पेपर। पहली बार ये उसके लिए बहुत मुश्किल था कि डायरी लिखना। अब तुम भी पहली बार डायरी लिखने बैठोगे तो तुम जो है तुम्हें तो मतलब थोड़ा अजीब लगेगा कि हम क्या मेंशन करें इसमें, क्या पेन और पेपर में क्या लिखें। तो वो उससे पहली बार, उसे भी थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा था जब उसने पहली बार डायरी लिखी। She believed that no one in near future would be interested to read about a young girl's past experience from her diary. वो क्या believe करती थी, उसके past experience है, वो future में कोई आगे नहीं पढ़ा था पढ़ेगा, वो ये मानती थी। But उसे क्या पता था कि हम सब लोग उसकी जो diary है ना उसको आगे उस मतलब उसका एक novel जो हमारे सामने आएगा और हम उसे पढ़ेंगे। तो वो से उसको तो ऐसा लगता है कोई फ्यूचर में उसकी डायरी पढ़ने को इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस को जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। बस उसे क्या पता था कि हम सब लोग पढ़ेंगे, लेसन पढ़ रहे हैं उसमें भी थोड़ा तो पढ़ ही रहे हैं। हाउएवर शी स्टिल डिसाइडेड टू राइट हर थॉट्स इन हर डायरी एंड नेम्ड इट किटी। उसे डायरी मिली थी उसके 13th birthday पे, और उसके फादर ने उसे डायरी दी थी और उसका उसने नाम रखा था किटी। यानी फ्रैंक की पिक्चर आप देख सकते हैं, ये ऐसी दिखती नहीं, कैसी दिखती थी पक्का पता नहीं है, किसी ने भी पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं है, बट ये कुछ इस टाइप की दिखती थी। ऑन 20th June 1942 एन स्टार्ट हाउ एंटायर क्लासेस वर नर्वस अबाउट देयर एग्जाम रिजल्ट्स। 20th June 1942 यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले की स्टोरी है। तो तभी तो हिस्ट्री हमारी नाज़िज़्म, राय, हिटलर वगैरह थे। 20 जून 1942 को एनी ने जो है, एनी ने एक अपनी डायरी में मेंशन किया है 20 जून 1942 में कि कैसे जो है उसकी सारी क्लास नर्वस थी क्योंकि आज उसका जो है रिजल्ट आने वाला था। अलाउ शी वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट अदर सब्जेक्ट, शी वॉज नॉट क्वाइट श्योर अबाउट मैथमेटिक्स। एनी जो थी ना, एन, कई लोग इसे एनी कहेंगे, एनी नहीं, प्रोनाउंसिएशन जो होगा सही इसका एन होगा। तो जो एन फ्रैंक थी हमारी, ठीक है,
वो कॉन्फिडेंट थी कि उसे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, बट वो मैथ्स के बारे में श्योर नहीं थी क्योंकि उसे लगता था कि मैथ्स में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। शी एंड हर फ्रेंड जी प्लीडेड द स्टूडेंट्स टू काम डाउन एंड नॉट मेक नॉइज। उसने और उसकी फ्रेंड ने क्लास को कहा कि तुम शोर मत मचाओ और काम डाउन हो जाओ, ठंडे हो जाओ। बट ऑल इन वेन शी फेल्ट डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास वर डमीज हु शुड बी कैप्ट बैग इन द सेम क्लास एज दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन अदर एक्टिविटीज़। उसे लगता था कि एक क्लास का एक क्वार्टर जो है वो डमीज हैं, यानी कि वो वापस उसी क्लास में रहेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने अदर एक्टिविटीज़ में परफॉर्म नहीं किया, ठीक है, यानी कि वो उसी क्लासेस में वापस रहेंगे। तो उसे ऐसा लगता था। थोड़ा अजीब सा ये चैप्टर है, लाइन है थोड़ी डिफिकल्ट है बट ईजी है ये चैप्टर समरी, ठीक है। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसे लगता है क्वार्टर ऑफ क्लास जो है वो पीछे, मतलब वो फेल हो जाएगी, सिंपल भाषा में बात बताऊँ। बिसाइड एनी आल्सो मैंशन हाउ द मैथ्स टीचर मिस्टर कीजिंग वॉज अनॉयड बाई हर टॉकेटिव नेचर। एने जो थी ना एन फ्रैंक, वो बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो इसके कारण जो उसके टीचर थे, और उसने मेंशन किया कि जो उसके टीचर थे वो जो है मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते थे जब भी वो इतना ज़्यादा बोलते थे, वो बड़ा घुटते थे। शी वुड ऑफ्टन पनिश हर विथ एक्स्ट्रा होमवर्क व्हेन शी टॉक्ड मोर ड्यूरिंग हिज क्लास। और मिस्टर कीजिंग के जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे उस वक्त क्या होता था, जो हमारी एन फ्रैंक होती थी ना, वो मतलब अगर ज़्यादा वो बोल लेती थी क्लास, जब भी क्लास लग रही होती थी तो अगर वो ज़्यादा बोल देती थी तो जो हमारे उसके जो उसके टीचर थे वो क्या कर देते थे, उसे पनिश करते थे एक्स्ट्रा होमवर्क देकर, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते थे। इन द फर्स्ट पनिशमेंट ही आस्क्ड हर टू राइट एन एसे ऑन अ चैटर बॉक्स विच इन इट्सेल्फ वाज अ वेरी टॉपिक फॉर एनी। तो पहली बार उसको पनिशमेंट में एक्स्ट्रा वर्क में क्या मिला, एक ऐसे लिखना है ए चैटर बॉक्स पे। चैटर बॉक्स कौन होता है, जो ज़्यादा बोलता है, तो चैटर बॉक्स पे ऐसे लिखना है ये उसके लिए खुद, क्योंकि वो खुद भी ज़्यादा बोलती थी और वो खुद भी एक चैटर बॉक्स ही थी, तो वो उस अपने पे एक ऐसे एक जो ऐसे लिखे ये उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था। शी गेव अ गुड थॉट अबाउट द टॉपिक एंड डिसाइडेड टू प्रेजेंट कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट इन हर एसे। चलो उसने अच्छे अच्छे अपने विचार उस टॉपिक में डाले, ठीक है, और कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट भी उस एसे में डाले। जस्टिफाइंग हर पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग, और उसने पॉइंट्स भी पॉइंट्स में उसे मतलब उसका जस्टिफाई किया उसे इन अ पॉइंट्स, और वो किसको सपोर्ट कर रही थी, टॉकिंग, क्योंकि बोलना बुरी बात नहीं। शी मैंशन डैट शी वुड ट्राई टू इम्प्रूव हर सेल्फ बट शी कुड नॉट डू एनी थिंग अबाउट द ट्रेड डैट हैड शी इनहर्टेड फ्रॉम हर मदर, ठीक है। और उसने ये भी मैंशन किया कि वो इस अपनी जो है ये आदत को है सुधारने की कोशिश करेगी, कि वो यानी कि कम बोला करेगी, और वो ये भी कहती कि अगर वो इसमें कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये जो ट्रेट है ना उसे अपनी मदर से मिले, क्योंकि उसकी मम्मी भी बहुत बोलती है। व्हेन हर टीचर रीड द एसे ही फाउंड इट अम्यूजिंग एंड असाइंड हर सेकंड एसे एन इनकरेबल चैटर बॉक्स फॉर हर इनफॉरमेबल टॉकेटिव नेचर। तो जब उसके टीचर ने एसे को पढ़ा तो उसे अम्यूजिंग लगा, और उसने ना उसके टीचर ने जो है उसे एक और एसे दे डाला एन इनकॉरिगेबल चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए, तो अब वो कैसे लिखे, ठीक है। अब ये उसके लिए फिर डिफिकल्ट हो गया था कि वो चैटर बॉक्स पे ऐसे कैसे लिखे। हाउ वे ड्यूरिंग द थर्ड लेसन मिस्टर कीजिंग हैड रीड इनफ ऑफ हर जस्टिफिकेशन एंड असाइंड हर अदर टॉपिक इन टाइटल क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स एज अ पनिशमेंट फॉर हर इनकॉरिगेबल हैबिट। तो अब तो उसने जो उसने उसका थर्ड लेसन था वो जब पढ़ ड्यूरिंग द थर्ड लेसन के दौरान जो मिस्टर कीजिंग है ना उसने जो मतलब उसे ऐसे दिया था उसके बारे उसको सारा कुछ पढ़ा और फिर उसे एक ऐसे दे दिया जिसका नाम था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये उसका ऐसे था, उस पर इसको एन फ्रैंक को इसके ऊपर अपना एक ऐसे लिखना था, ठीक है, एज अ पनिशमेंट फॉर इन हर इनकॉरिगेबल हैबिट, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती थी तो इस हैबिट के लिए उसने जो उसके टीचर थे उन्होंने उसे ऐसे दिया ताकि वो इस पे ऊपर ऐसे लिखे, तो वो गुस्सा हो गए थे। क्यों गुस्सा हो गए थे, क्योंकि वो ज़्यादा बोलती थी। एंड ऑलमोस्ट रन आउट ऑफ थॉट आफ्टर राइटिंग एसे ऑन सिमिलर टॉपिक प्रीवियसली। अब उसके दिमाग से सारे थॉट चले गए, अब उसके पास कोई थॉट नहीं था क्योंकि वो दो बार तो सिमिलर ऐसे लिख चुकी है, अब और कितनी बार ऐसे लिखेगी, क्योंकि उसने सिमिलर टॉपिक से ही हर बार लिखे हैं, ऐसे सिमिलर टॉपिक्स पे ही हर बार ऐसे लिखा है। दिस टाइम शी टुक द हेल्प ऑफ हर फ्रेंड, इस टाइम उसने अपने फ्रेंड की हेल्प ली, सैने हु वाज गुड एट पोइट्री, जो कि पोइट्री में अच्छा था, एंड रोट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन सेरेट्रिकल वर्ड्स।
और उसने ना ये जो ऐसे को ना थोड़ा मजाकिया सीन्स में आप कह सकते हो लिखा, व्हेन हर टीचर रीड ऐसे ही टुक इट लाइटली एंड थ्रॉली इन्जॉयड इट, जब उसके टीचर ने इसे पढ़ा तो उसने लाइटली इसे लिया, ज़्यादा हार्ड मतलब अच्छे से उसने पढ़ा और उस उन्होंने ये ऐसे जब पढ़ा तो उन्होंने इन्जॉय किया। सिंस द एन वाज अलाउड टू टॉक इन क्लास, उसके बाद जो एन फ्रैंक थी उसे क्लास में बोलने के लिए कह दिया कि अब तुम बोल सकती हो, कोई बात नहीं, अब तो जितना चाहे उतना बोल सकती हो। एंड वाज नेवर असाइंड बाय एनी एक्स्ट्रा होमवर्क बाय मिस्टर कीजिंग, और फिर उसे आगे से कभी भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया गया बाय मिस्टर कीजिंग। तो ये उसकी एक डायरी थी जो मिस्टर एनी फ्रैंक ने डायरी का एक छोटा सा पार्ट जो है मेंशन किया था, तो वो हमने एज अ समरी के रूप में पढ़ लिया है क्योंकि रिविज़न कर रहे हैं तो रिविज़न के दौरान हम समरी के रूप में ही पढ़ेंगे। चलो अब करते हैं इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हम रिविज़न कर रहे हैं तो रिविज़न में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करते हैं। सो लेट स्टार्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एन फीलिंग्स अबाउट हैविंग अ डायरी। तो एन की आपको फीलिंग को डिस्क्राइब करना जब उसके पास डायरी थी। तो आंसर, एन फील्स इट इज सिली फॉर 13 ईयर्स ओल्ड teenager to have a diary as would have seemed she has many friends and other people to talk to, but in reality she states that she feels very lonely in the world, she wishes a diary to become her friend। तो वो उसका पहले डायरी जब उसके पास डायरी आई तो उसका क्या एक्सपीरियंस था। तो एनी जो थी वो एक 13 ईयर गर्ल थी, आपको पता 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी, वो क्या फील करती थी कि ये उसके लिए सिली है, यानी कि ये उसके 13 ईयर ओल्ड गर्ल के लिए सिली है कि वो उसके पास एक डायरी है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, अब उसे डायरी की क्या ज़रूरत। बट वो ये भी सोचती है कि मैं दूसरों फ्रेंड्स से इतने अच्छे से बात नहीं कर सकती रियलिटी में, और उसने कहा कि वो बहुत अकेला महसूस करती थी घर पर, तो इसीलिए उसने ये विश किया कि उसकी डायरी उसके लिए एक एज अ दोस्त बने, कि उसके दोस्त भी बन जाए। उसने अपनी डायरी को दोस्त बनाने की कोशिश की। तो ये आप लिख सकते हैं कि वो 13 ईयर ओल्ड गर्ल थी, ठीक है, और ये मतलब वो उसके लिए, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे बट वो बहुत ही, और उसने रियलिटी में बताए तो उसने वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी, बहुत अकेलापन महसूस करती थी, इसीलिए उसने डायरी में लिखना चालू किया ताकि वो डायरी को अपना फ्रेंड बना सके। क्वेश्चन टू, वाई डज एन फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एक लाइन आएगी आपके, पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। क्यों? एन फ्रैंक जो थी हमारी, उसे एन फ्रैंक को ऐसा क्यों लगा कि जो पेपर है ना उसके पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल से ज़्यादा पेशेंस है उसके पास। तो देखो, हम अपने फ्रेंड से कुछ बातें कर सकते हैं लेकिन कुछ सीक्रेट जो है हम अपने फ्रेंड्स को नहीं बता सकते, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं आगे बता देते हैं। तो हमें जो है जो, और अगर हम पेपर पेन पे उन सीक्रेट्स को लिखें तो पेपर और पेन तो नहीं बताएंगे, है ना, पेपर किसी को नहीं बताएगा। अगर पेन से पेपर पे लिखें तो पेपर जो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं बताएगा। तो ये हम हैं कि पेपर पे हम चाहे कुछ भी लिख सकते हैं और अपने दोस्तों को घर वालों को हम कुछ जो मन में आए वो नहीं भूल सकते, पेपर पे हम चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये आप सब चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। Any believes that paper has more patience than people because it listen to her more patiently and silently। कि पेपर पे आप जो भी लिख दोगे वो पेपर जो है उसे आराम से सुन लेगा और साइलेंटली भी सुन लेगा। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, ये दूसरे पीपल्स की तरह रिएक्ट नहीं करता। एंड ऑल्सो बिकॉज शी कैन कॉन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स, और वो उस पे डायरी में पेपर थे तो उन पेपर्स पे अपने जो है सीक्रेट्स भी जो है वो लिख सकती है। तो इसीलिए पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है देन ह्यूमन बींग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। थर्ड, वाई डज एन फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन अ डायरी। कि व्हाट डज, कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में फैमिली के बारे में क्या बताया। तो देखो, एन फ्रैंक टेल डेट शी वॉज वेरी लवली एंड केयरिंग फॉर माई फैमिली। एन फ्रैंक ने कहा कि वो बहुत ही, उसके पास बहुत ही प्यार करने वाली और केयर करने वाली फैमिली है। हर पेरेंट्स एंड हर एल्डर सिस्टर लव हर अलॉट। कि जो कि उसके पेरेंट्स और जो उसकी बड़ी सिस्टर है वो उसे बहुत प्यार देते हैं। किसको? एन फ्रैंक को। देर आर अबाउट 30 पीपल नियर बाय हर होम शी कैन कॉल फ्रेंड्स। और उसके आसपास यह 30 लोग हैं जिन्हें वो दोस्त कह सके। शी वॉज अ लविंग आंट्स, उसके पास लविंग आंट्स हैं, प्यार करने वाली आंटीज़ हैं, एंड अ गुड होम, अच्छा घर है। बट शी वांट टू हैव अ ट्रू फ्रेंड, लेकिन उसे एक अच्छा फ्रेंड चाहिए, एक सच्चा दोस्त चाहिए, विथ होम, जो उसके साथ हो, शी कैन शेयर हर फीलिंग्स एंड थॉट्स, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को शेयर कर सके। तो ये था थर्ड क्वेश्चन कि एन फ्रैंक ने अपनी फैमिली के बारे में क्या मेंशन किया इन हर डायरी। फोर्थ, डिस्क्राइब योर व्यूज़ अबाउट मिस्टर कीजिंग एज अ टीचर। मिस्टर कीजिंग को एज अ टीचर के बारे में थोड़े आपको व्यूज़ देने हैं। तो क्या लिखेंगे? मिस्टर कीजिंग सीम्स टू अ स्ट्रिक्ट टीचर।
मिस्टर सिंह की सिंह जो थे वो एक स्ट्रिक्ट टीचर थे, बट ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शंस विद द गुड इंटेंशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। वो अच्छे मतलब स्ट्रिक्ट टीचर थे, लेकिन वो एक्शंस क्या लेते थे कि बच्चे का थोड़ा विकास हो, वो ज़्यादा अटेंशन दे सके। तो इसीलिए वो एन को भी हमने देखा उन्होंने 3 बार ऐसे दिया, तो अब वो ऐसे लिखने में तो परफेक्ट हो गई। ही ट्राइज टू कंट्रोल हर बैड हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच। वो मतलब वो कंट्रोल करना चाहते थे कि जो एनी एन फ्रैंक है ना वो कम बोले। बट एज सून ही हैज़ कन्विंस्ड दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज़। और उसके बाद जब उन्होंने ऐसे उसे लिखा तो उसे उन्हें पता लगा कि जो उसकी हैबिट है ना वो उसकी स्टडीज़ के कोई भी स्टडीज़ को कन्विंस नहीं कर सकती, कि मतलब उसकी हैबिट कुछ भी मतलब हैबिट जो है ना वो किसी उसकी स्टडीज़ को किसी भी तरह अफेक्ट नहीं कर सकती। ही ओवरलुक्स हर शॉर्ट कमिंग, वो शॉर्ट कमिंग की तरह ओवरलुक्स है। तो ये सब आपको लिखना है व्यूज़ इन द एज अ टीचर मिस्टर केजे। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे टू सपोर्ट हर हैबिट ऑफ टॉकिंग टू मच सो मच। अपने उसने पहले ऐसे में उसके पहले ऐसे था जो अ चैटर बॉक्स, उसमें क्या क्या लिखा जिससे वो मतलब बोलने वाले लोगों को ज़्यादा सपोर्ट कर सके। तो आंसर में क्या लिखेंगे, एन फ्रैंक सपोर्ट हर नैंटी बाय स्टेटिंग दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड शी विल ट्राई टू कंट्रोल इट। एन फ्रैंक ने पहले अपने ऐसे में ऐसा लिखा कि ये जो है एक स्टूडेंट की ट्रेट है, कि बोलना एक स्टूडेंट की ट्रेट है और वो इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बट शी आल्सो कैन शे डैट ही हैज़ शी हैज़ गॉट इट फ्रॉम हर मदर एंड सच इनहेरिटेड ट्रेट्स कैन नॉट बी कर्प्ड। और उसने बाद में ये भी कहा कि ये जो ट्रेट है ना उसकी मदर से मिली है, तो अब इसमें उसका क्या कसूर कि यानी कि अब वो ज़्यादा बोलती है तो ये कर्प्ड, इसे हम इसे बंद नहीं कर सकते कि ये उसे ट्रेट है जो उसकी मदर से मिली है। सो बस आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।